दोस्तों चाहे थॉर का हैमर हो या कैप्टन अमेरिका की शील्ड, एमसीयू के अंदर ऐसे बहुत से पावरफुल वेपन्स देखने को मिल जाते हैं। लेकिन क्या आप बता सकते हो कि थॉर का हैमर और कैप्टन अमेरिका की शील्ड किस मेटल की बनी हुई है, और एमसीयू का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल कौन सा है? वेल, अगर नहीं बता सकते तो फिक्र नॉट, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको मार्वल के कुछ ऐसे ही स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल्स के बारे में बताने वाले हैं, जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाओगे। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, उरु। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे मेटल की जिसके बारे में हर मार्वल फैन ने सुन रखा है। वेल, उस मेटल का नाम है उरु मेटल, जो एस्गार्डियन गॉड ऑफ थंडर थॉर का मियोलनियर में यूज हुआ है। अब बाकी मेटल से अलग इस मेटल को मार्वल का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल माना जाता है, जो कि यूनिवर्स के ओरिजिन से ही एग्जिस्ट करता है। अब इसकी ड्यूरेबिलिटी वैसे तो पहले से ही काफी ज्यादा तगड़ी है, पर जब इसको एनशेंट किया जाता है तब ये और भी ज्यादा ड्यूरेबल बन जाता है, जिसके चलते इसको डैमेज नहीं किया जा सकता। अब भले ही मियोलनियर उरु मेटल से क्यों ना बना हो, मगर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उरु को एक हाईली इमेलिएबल मेटल कहा जाता है, जिससे कुछ भी बनाने के लिए एक्सट्रीम मेथड्स का यूज करना होता है। मतलब अगर आप इस मेटल से कोई वेपन बनाना चाहते हैं, तब इसको मेल्ट करने के लिए आपको न्यूट्रॉन स्टार की जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अब इसे आप एक तरह का कॉस्मिक मेटल भी कह सकते हैं, जो कि बहुत सी मैजिकल पावर्स भी पोजेस करता है, जिसके चलते इसको डिस्ट्रॉय करना लगभग इम्पॉसिबल ही है। नंबर 2, कार्बोनेडियम। दोस्तों जब बात कार्बोनेडियम मेटल की आती है, तब ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिसे साइंटिस्ट ने एक्सीडेंटली क्रिएट कर दिया था, और वो भी तब जब वो एडमेंटियम को रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। अब कार्बोनेडियम की मजबूती को देखें तो ये लगभग ट्रू एडमेंटियम के जितना ही स्ट्रांग है, पर इसमें कुछ कमियां हैं, जिनकी वजह से ये ना सिर्फ लचीला है बल्कि हाईली रेडियोएक्टिव भी है। इतना ही नहीं, अपनी इनस्टेबिलिटी के चलते कार्बोनेडियम हाईली टॉक्सिक भी है, जो वुल्वरिन जैसे म्यूटेंट्स के हीलिंग फैक्टर को भी प्रभावित कर सकता है। और मार्वल कॉमिक्स के अंदर हमें ये देखने को भी मिलता है, क्योंकि एक बार जब कॉमिक्स में कार्बोनेडियम से बनी एक तलवार से वुल्वरिन को मारा गया था, तब इस मेटल के सामने उसके हीलिंग फैक्टर्स ने काम करना बंद कर दिया था। अब अगर आप सोच रहे हो कि कार्बोनेडियम सिर्फ मार्वल कॉमिक्स तक ही सीमित है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि स्पाइडरमैन मूवी के अंदर डॉक्टर ऑक्टोपस की जो मैकेनिकल आर्म्स है, वो भी इसी कार्बोनेडियम मेटल का ही बनाया हुआ है। अब असल में ये कितना स्ट्रॉन्ग है, इस बात का अंदाजा स्पाइडरमैन मूवी से ही लग जाएगा, क्योंकि मूवी के अंदर डॉक्टर ऑक्टोपस की कार्बोनेडियम मैकेनिकल आर्म्स का स्पाइडरमैन जैसी पावरफुल सुपर हीरो भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया था। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि इस मेटल का कोई भी तोड़ नहीं है, क्योंकि मार्वल यूनिवर्स के अंदर ऐसा और भी फिक्शनल मेटल्स मौजूद है जो कि कार्बोनेडियम से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नंबर 3, गैलेक्टिक ग्लेज। दोस्तों अब बात करते हैं गैलेक्टिक ग्लेज मेटल की, जो सीधे तौर पर गैलेक्टस से जुड़ा हुआ है। अब दोस्तों मार्वल कॉमिक्स के अंदर सिल्वर सर्फर की स्किन और उसका मिस्टिकल सर्फबोर्ड इसी ग्लेज मेटल से बना हुआ है, जो उसे गैलेक्टस ने तब दिया था जब सिल्वर सर्फर उसका गुलाम था। अब ये मेटल इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये सिल्वर सर्फर को ना सिर्फ हर तरह के डैमेज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन दे सकता है, बल्कि ये उसे एक्सट्रीम हीट और कोल्ड से भी बचाता है। अब इतना ही नहीं, इस मेटल की वजह से ही सिल्वर सर्फर स्पेस के साथ साथ एक स्टार के अंदर भी जिंदा रह सकता है, और तो और इसी के रहते एक ब्लैक होल के अंदर जाने पर भी उसे कुछ नहीं होगा, जो ये साबित करने के लिए काफी है कि गैलेक्टिक ग्लेज वाकई में बहुत ही ज्यादा पावरफुल मेटल है। नंबर 4, एडमेंटाइन। दोस्तों एडमेंटाइन मेटल को मार्वल यूनिवर्स में मेटल ऑफ गॉड्स के तौर पर डिस्क्राइब किया गया है, जिसका कलर गोल्डन है। अब शायद ही आपको मालूम हो कि एडमेंटाइन वही मेटल है जिसका इस्तेमाल हरक्यूलिस के गोल्डन मेस और प्लूटो के गेट्स में किया गया था। अब इस मेटल में बहुत सी मिस्टिक प्रॉपर्टीज है, जिसके चलते ये ना सिर्फ मानसिक और जादुई दोनों प्रकार के प्रभाव को रोकने में सक्षम है, बल्कि इसकी मदद से कंक्यूसिव एनर्जी से होने वाले भयंकर ब्लास्ट को भी रोका जा सकता है। अब दोस्तों एडमेंटाइन को आप एक तरह से इनडिस्ट्रक्टिबल भी कह सकते हो, क्योंकि ये काफी हद तक एक मेटल एलॉय से इंस्पायर्ड है, जो माइंड कंट्रोल और इल्यूजन दोनों करने के काबिल है। साथ ही साथ इसकी सबसे खास बात यह है कि इसको हर कोई यूज नहीं कर सकता, क्योंकि कॉमिक्स और मूवीज दोनों में ही इसका इस्तेमाल ग्रीक गॉड्स ही करते हुए दिखाई देते हैं, और हरक्यूलिस का गोल्डन मेस इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है। नंबर 5, एडमेंटियम। दोस्तों एडमेंटाइन मेटल के बाद अब एडमेंटियम की बात करें, तो ये एक ऐसा मजबूत आयरन बेस्ड एलॉय है जिसे वर्चुअली डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। इस मेटल का निर्माण बहुत से अलग अलग मेटल्स और कॉम्पोनेंट्स को मिलाकर किया गया है,
और शायद यही कारण है कि इस मेटल की सफिशियंट अमाउंट बिना किसी डैमेज के कई सारे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स को झेल सकती है। इसकी मजबूती का अंदाजा आप इसी चीज से लगा सकते हो कि एडमेंटियम की बनी एक प्योर ब्लेड खुद एडमेंटियम और कैप्टन अमेरिका की शील्ड को छोड़कर दुनिया में कुछ भी काटने में सक्षम है। अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मार्वल कॉमिक्स में इस मेटल को लिक्विड फॉर्म में वुल्वरिन के बोन्स के अंदर डाल दिया जाता है, जिसके बाद जब भी वो अपने क्लॉज को बाहर निकालता है तब उसके वो क्लॉज एडमेंटियम मेटल से बनकर बाहर निकलते हैं। अब सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इन्हीं क्लोज की मदद से वुल्वरिन ने ब्लैक पैंथर के वाइब्रेनियम सूट को भी फाड़ डाला था, जो साफ तौर पर हमें ये बताता है कि एडमेंटियम वाइब्रेनियम से भी ज्यादा पावरफुल है। नंबर 6, प्रोटो एडमेंटियम। दोस्तों, प्रोटो एडमेंटियम की बात करें तो इसे भी मार्वल का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल माना जाता है, क्योंकि इसका यूज कैप्टन अमेरिका के शील्ड में किया गया है। हालांकि इसका ओरिजिन कहां और कैसे हुआ इस बारे में कॉमिक्स के अंदर कोई ज्यादा सटीक जानकारी नहीं दी गई है, पर फिर भी ये माना जाता है कि वाइब्रेनियम और एक्सपेरिमेंटल आयरन अलॉय के बीच एक कैटेलिस्ट या कहे एक्स फैक्टर ने कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन कर दिया होगा जिससे आयरन अलॉय प्रोटो एडमेंटियम में कन्वर्ट हो गया होगा और उसी समय इसमें वाइब्रेनियम भी फ्यूज हो गया होगा। अब ये कितना स्ट्रॉन्ग है इस बात का अंदाजा तो इसी चीज से लगाया जा सकता है कि कैप्टन अमेरिका की शील्ड इसी मेटल और वाइब्रेनियम के मिक्सचर से बनी होने के चलते 4982 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर आराम से झेल सकता है। और यही कारण है कि कैप्टन की शील्ड को पूरे मार्वल यूनिवर्स के सबसे इनवल्नरेबल आइटम के रूप में देखा जाता है। नंबर 7, वाइब्रेनियम। दोस्तों, उरु मेटल के बाद अब अगर मार्वल यूनिवर्स के दूसरे सबसे फेमस मेटल वाइब्रेनियम की बात करें तो यार ये एक एक्सट्रीमली रेयर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मेटल है जिसका ओरिजिन अर्थ पर नहीं बल्कि स्पेस में हुआ था। अब इससे पहले कि आप ये सोचने में लग जाओ कि आखिर ये अर्थ पर कैसे आया, मैं ही क्लियर कर देता हूं कि वाइब्रेनियम अर्थ पर आया था एक एस्ट्रॉइड की मदद से, और ये एस्ट्रॉइड गिरा था वकांडा में, जिसके चलते वकांडा ने काफी ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हासिल कर ली। अब दोस्तों, वाकांडा के किंग ब्लैक पैंथर का सूट भी वाइब्रेनियम का ही बना हुआ है, जो वाइब्रेशन और काइनेटिक फोर्स दोनों को एब्जॉर्ब कर सकता है, और यही वजह है कि सूट को डैमेज कर पाना लगभग असंभव ही है। वैसे क्या आपको मालूम है कि वकांडम वाइब्रेनियम के अलावा इसकी एक और वैरायटी है जिसे एंटी मेटल के नाम से जाना जाता है। ये एंटी मेटल एक ऐसा वाइब्रेशन क्रिएट करता है जो हर तरह के नेचुरल और मैन मेड मेटल्स के कॉन्टैक्ट में आने पर उन्हें पूरी तरह से तबाह कर सकता है। हालांकि मूवीज के अंदर अभी तक वाइब्रेनियम की इस वैरायटी के बारे में नहीं बताया गया है, जिसके चलते इसके बारे में कम ही जानकारी मौजूद है। नंबर 8, मुरामासा ब्लेड। दोस्तों, सबसे आखिर में बात करते हैं एक ऐसे मेटल की जिसके बारे में बहुत ही कम या शायद आप में से किसी ने भी सुना नहीं होगा। जी हाँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ मुरामासा ब्लेड की, जिसे मुरामासा नाम के एक फेमस ब्लेड मास्टर द्वारा बनाया गया था। अब दोस्तों, मुरामासा ब्लेड किस सब्सटेंस से बनी हुई है ये तो कोई भी नहीं जानता, पर ऐसा कहा जाता है कि इसके अंदर वुल्वरिन की सोल का एक टुकड़ा मौजूद है। अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मुरामासा उन मेटल्स को काटने में सक्षम है जिन्हें पहले अनडिस्ट्रक्टिबल माना जाता था, जिसकी थियराइज्ड प्लाज्मिक फॉर्म किसी भी सब्सटेंस को मॉलिक्यूलर लेवल तक काट सकती है। अब इस ब्लेड में कुछ मैजिकल प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है जिनके चलते ये किसी भी बीइंग के हीलिंग फैक्टर और सुपर नेचुरल हीलिंग एबिलिटीज को निष्प्रभाव कर सकता है। अब कॉमिक्स में इसने वुल्वरिन के एडमेंटियम को तोड़ा है, मगर फिर भी आप इसे मार्वल का सबसे पावरफुल मेटल नहीं कह सकते, क्योंकि कैप्टन अमेरिका के शील्ड और थॉर के हैमर के सामने ये कमजोर ही नजर आता है। तो दोस्तों, ये थी मार्वल यूनिवर्स की 8 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल। अब आपने इनमें से कौन कौन से मेटल का नाम पहले भी सुना था और किसे आपने पहली बार सुना, मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली से जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो चैनल पे तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा देना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक ले, बाय, जय हिंद।